हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तीन ऐसी अमेजिंग स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन सी ये स्कॉलरशिप निकल के आई है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, एंड कौन सी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन सी लास्ट डेट होने वाली है, पूरा का पूरा इन डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हमारे इस YouTube चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो हमारे YouTube चैनल पर जाके, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, स्कॉलरशिप, कॉलेज रिव्यू। तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन जरूर से दबाएगा ऐसी और स्कॉलरशिप रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेसिकली मैंने इन तीनों स्कॉलरशिप का लिंक है जो बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले आपको यहाँ पे इस तरह का पोर्टल देखने को मिलेगा। तो पहले आपको इस पेज पे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट भेज दिए जाओगे। तो पहले ही जो स्कॉलरशिप निकल आती है वो है अपने पास यहाँ पे सहनीपुरम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 जो आती है सहन स्टेट गवर्नमेंट केरला की तरफ से। आपको ये स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी अगर आप भी एक केरला स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर केरला स्टेट में आप रहते हो, तो आप इस स्कॉलरशिप पे जरूर से अप्लाई कीजिएगा। एंड 11, 10, 12 एंड अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। और लास्ट डेट के बारे में बात करें, 16 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। दो दिन है आपके पास इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। एंड अटैचमेंट कौन से लगाने हैं इस स्कॉलरशिप के दौरान आपको यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगाना है, आपका पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो आप इस स्कॉलरशिप पे आपका पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। और आपका एक बीपीएल सर्टिफिकेट लगाने वाला है, जैसे कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, अगर आपकी कंडीशन बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो आपका यहाँ पे एक बीपीएल सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। और आपका एक इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट लगने वाला, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके बैंक डिटेल लगा के आपको यहाँ पे सब जो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे फुलफिल कर देना है। सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जिंदल फाउंडेशन की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। सीताराम जिंदल फाउंडेशन की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। और इसके जो प्रोवाइडर हैं स्कॉलरशिप के प्रोवाइडर वो हैं जिंदल फाउंडेशन की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप जो है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है। एंड आपको स्कॉलरशिप अमाउंट आपका आपको यहाँ पे 36,000 रुपए का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को मिलेगा। और आपकी फैमिली इनकम है जो 4,00,000 से कम होनी चाहिए। और कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, कौन से डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। आईआईटी डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज होते हैं बैचलर्स के वो इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं जैसे मास्टर कोर्सेज होते हैं वो भी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 31 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं उसके बारे में बात करें तो आपको अटैचमेंट कौन से वेरिफिकेशन होने वाले हैं आपके यहाँ पे, तो जो आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगने वाली है, आपकी फीस रिसिप्ट लगने वाली है, जो भी आप स्कूल या कॉलेज का अंदर आप पढ़ रहे हो तो आपकी यहाँ पे फीस रिसिप्ट लगने वाली है। और आपका इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपका पेरेंट्स का है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और HSC मार्कशीट कार्ड लगने वाली है, आपकी मार्कशीट होती है वो आपको यहाँ पे लगने वाली है। एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है, एडमिशन सर्टिफिकेट लगने वाला आपका यहाँ पे। अगर आप एक हॉस्टलर हो, अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हो, हॉस्टल स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे आपके हॉस्टल का कार्ड लगा सकते हो, आपका हॉस्टल का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और आपका एक सोर्स यहाँ पे फुलफिल कर देना, जो भी आप सोर्स फुलफिल करना चाहते हो, जैसे कि आप ईमेल फुलफिल कर देना। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको यहाँ पे ईमेल आपका फुलफिल कर देना, जो भी आपका एक सोर्स होना चाहिए, इसकी मदद से आपको पता लग जाए कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है एंड कैसे उसको आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट है जो कैसे आपके बैंक अकाउंट में लेके आना है। तो वो पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है जो आपके मेल के अंदर आपको यहाँ पे फुलफिल कर देना है। एंड अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो अपने। एंड अब बात कर लेते हैं इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई कैसे करना है। तो पहले स्कॉलरशिप के लॉगिन एंड अप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आप इस स्कॉलरशिप पे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आपको इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट है जो यहाँ पे न्यू अकाउंट बना लेना है। पहले आपने इस स्कॉलरशिप पे अकाउंट नहीं बनाया है, अपना पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप पे
का न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे इस तरह का पोर्टल देखने को मिलेगा। तो पहले आपका यहाँ पे नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है संजय वगैरह, जो भी मेरा नाम संजय है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपना नाम डाल के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अपना कोर्स जो भी आप जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ के लिए जो भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अपना कोर्स जो फुलफिल कर देना, आपका आपका स्टेट कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपको आपके स्टेट डाल देना है। और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी एंड आपके पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड ठीक ठाक लगे वो आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड दबा देना, क्रिएट पासवर्ड आपको फुलफिल कर देना है। एंड आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद, आपको यहाँ पे आई एम रॉबर्ट रॉबर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए वापस बैक आना है आपको। बैक आने के बाद कुछ आपको यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। और आपको यहाँ पे नीचे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आई होप ये आज का ये वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। और जो भी स्कॉलरशिप पे, इन दोनों स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकता है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप पे, जिससे भी आप सोशल मीडिया से, ऐप से, जिससे भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। 100 सब्सक्राइबर और कम है जो आपकी 500 की जो अपनी जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 0 to 500 तक का आपका सपोर्ट बनाए रखने का आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जिसके साथ शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, फैमिली मेंबर हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, जिसके साथ इस वीडियो को जैसे शेयर कर सकते हो उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।